वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सो इस वीडियो में मैं फ्रिक्शन क्लच प्लेट के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि वो फ्रिक्शन क्लच प्लेट आखिर किस टाइप के मटेरियल का बना होता है जो फ्लाई व्हील के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो जो फ्रिक्शन प्लेट क्लच है उसका जो फ्रिक्शन वाला एक सरफेस होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग बनी हुई होती है जो प्रॉपर किसी के भी कॉन्टैक्ट में आने से एक ग्रिप बना लेती है। और जो फ्लाई व्हील का जो ऊपर का जो सरफेस होता है, जो राउंड वाला सरफेस होता है, जब आपका फ्रिक्शन क्लच प्लेट उससे कांटेक्ट में आता है, जब उसे टच में आता है, तो फ्लाई व्हील जैसे आपका रोटेट करने लगता है, आपका फ्रिक्शन क्लच भी उसके कांटेक्ट में आने के कारण रोटेट होने लगता है। फिर बात ये उठती है कि फ्रिक्शन क्लच फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में क्यों आएगा, क्योंकि प्रेशर प्लेट जो है वो कंटिन्यूसली फ्रिक्शन क्लच पे प्रेशर अप्लाई कर रही है। जब आपका इंजन में आप क्लच को डिसइंगेज करते हो तो प्रेशर अप्लाई करना बंद कर देता है प्रेशर प्लेट, किस पे? फ्रिक्शन क्लच डिस्क पे। जब वो प्रेशर अप्लाई करना बंद कर देता है तो ये ऑटोमेटिकली उससे डिसइंगेज हो जाता है। और जब आप क्लच पैडल को रिलीज करते हो तो क्या होता है, आपका जो प्रेशर प्लेट है क्लच प्लेट को आगे की ओर पुश करता है फ्लाई व्हील की तरफ। अब फ्लाई व्हील में ये अपना कांटेक्ट कैसे बना लेता है, क्योंकि इसका फ्रिक्शन मटेरियल है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये आपका फ्रिक्शन प्लेट है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में फ्रिक्शनल लाइनिंग बनी हुई हुई है, कुछ खास डिज़ाइन बना हुआ है इस पे। ये ग्रिप करने वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा रबर के टाइप का मटेरियल होता है। मेनली जो क्लच आपका यूज़ होता है एस्बेस्टस मटेरियल का होता है, और ये रबर वाली प्रॉपर्टी का होता है, रबर वाली प्रॉपर्टी का। तो अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई घूमती हुई चीज़ है, कोई कोई प्लेट रोटेट कर रहा है और उसके सरफेस पे आप जा करके रबर को टच कराओगे, तो जो रबर है वो उस घूमते हुए सरफेस के साथ ग्रिप बना लेगा और खुद भी रोटेट होने लग जाएगा। सेम प्रिंसिपल पे आपका क्लच भी वर्क करता है। तो एस्बेस्टस मटेरियल का ये बना होता है और उसके साथ ग्रिप बना करके ये भी रोटेट होने लगता है। इसी के कारण हमारा गाड़ी इंगेज और डिसइंगेज होता है। तो ये था आपका क्लच मटेरियल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।